डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टडी में हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ के दो प्रॉपर्टीज़, दो गुणधर्म जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उनका एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मूवेबल पार्टिकल ले लें तो उस मूवेबल पार्टिकल की जो पोजीशन और मोमेंटम यानी स्थिति और संवेग जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इसलिए इन दोनों को हम एक साथ जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसको ध्यान में रखते हुए हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन से किसी भी मोमेंट, किसी भी विशेष क्षण पर किसी कण की स्थिति व संवेग, पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ प्रिसाइसली यानी यथार्थता के साथ उसको डिटरमाइन करना असंभव यानी इम्पॉसिबल है। ये जो है इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली अगर हम बताना चाहें तो उसकी फॉर्म्स इस तरह से है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलमोस्ट इक्वल टू एच। यहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो एक्स एक्सिस पर पोजिशन यानी स्थिति में अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी जो है वो एक्स एक्सिस पर संवेग यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं किसी पार्टिकल के लिए जो पोजीशन और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी या उसकी जो वैल्यूज चेंज होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो करीब करीब प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4π। मोर एक्यूरेटली इस तरह से भी लिखा जाता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहें कि अगर हम किसी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहें यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही स्मॉल करें, तो उस समय क्या होगा कि जो डेल्टा पी है यानी चेंज इन मोमेंटम, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो एच अपॉन 4π के इक्वल होगी। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है तो हम इसके लिए एक्सरेज और गामा रेज को यूज में लेते हैं। एक्सरेज और गामा रेज जो हैं वो हाई एनर्जी और लोअर वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। जब हाई एनर्जी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएट होते ही उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। तो इसलिए हम एक साथ इन दोनों प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर पाते। इसके साथ ही इन्हीं इक्वेशंस को हम थोड़ा और भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो अभी हमने इक्वेशन लिखी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4π। दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। पी जो है वो मोमेंटम या संवेग है, जो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो हम यह लिख सकते हैं m इंटू चेंज इन वेलोसिटी
डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी को हम फर्दर और चेंज करके लिखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और हम इसको इस तरह से भी यूज में लेते हैं इक्वेशन को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन एम। ये जो इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए हमने लिखी है, इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन, हम इस इक्वेशन को अगर मैक्रो पार्टिकल्स पर अप्लाई करें, यानी बड़े पार्टिकल्स पर अप्लाई करें जहां पर m की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, अगर m की वैल्यू लार्ज है तो h अपॉन m की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल हो जाएगी। तो h अपॉन m की वैल्यू स्मॉल होगी, इसका मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज में जो अनसर्टेनिटी होगी उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई, या हम इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को माइक्रो पार्टिकल्स पर अप्लाई करें तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए m की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल होगी। m की वैल्यू स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि जो h अपॉन m की वैल्यू आएगी वो लार्ज होगी, काफी ज्यादा होगी। तो उस समय ये जो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी, वो मेजरेबल होगी। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रो पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। इसी को हम एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक बड़े पार्टिकल, सपोज हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं फॉर 200 ग्राम बॉल, कि इसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होगी। तो 200 ग्राम बॉल के लिए अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू आएगी हम उसको लिखें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा व्यू हम इज इक्वल टू कर देते हैं एच अपॉन एम। यहां पर हम प्लैंक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय एम मास ऑफ द बॉल 200 ग्राम है तो हम इसको 0.2 केजी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम यूनिट्स को अगर चेक करें तो जूल जो है, जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और आगे जो है ये हमारे पास ऑलरेडी सेकेंड है, डिवाइड बाय यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम कैंसिल कर दें। ये जो इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 3.31 इंटू 10^-33 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 200 ग्राम्स के लिए जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई उसकी वैल्यू ये है। अब हम कंपेयर कर लें, हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी क्या वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई एम। यहां पर हम सेम एच की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड डिवाइडेड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 0.73 इंटू 10^-3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को चेक करें तो ये जो वैल्यूज है और ये वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत ही लेस है
ये हमारे लिए कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो गई, जबकि ये वैल्यू जो है वो कंपैरेटिव नेग्लिजिबल नहीं है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल यानी माइक्रो पार्टिकल पर इजीली अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहीं पर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन के बारे में भी बात करें, तो बोहर ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करता रहता है, चक्कर लगा रहता है, जिससे हम उसके साथ ही हम उसका वेग, उसकी वेलोसिटी, संवेग, मोमेंटम भी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इस पोस्टुलेट, बोहर के इस पोस्टुलेट को रूल आउट कर दिया। हाइजेनबर्ग ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्ट्रीज यानी वेलोसिटी और मोमेंटम को हम नहीं बता सकते, उसको बताना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हाइजेनबर्ग ने बोर एटॉमिक मॉडल के इस पोस्टुलेट को रूल्ड आउट किया। तो ये एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम कह सकते हैं एप्लीकेशन भी है। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।